तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 9 पॉइंट की हेल्प से झांसी की रानी का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आप पहले 9 पॉइंट लगा दीजिएगा। 9 पॉइंट लगाने के बाद पहले वाले पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ एक इस तरह ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा, एक आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आप हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पर अंदर की तरफ कर देंगे। अब आपको इधर से एक लाइन ऐसे, ये लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, इधर से आपको हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इधर ऐसे मिलाना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों ऊपर के साइड में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ से भी आपको ऐसे डबल करना होगा। नीचे के साइड में बहुत ही सावधानीपूर्वक लाकर ऐसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस साइड आपको एक सर्किल बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप ऐसे एक सर्किल बना देंगे, आगे के साइड में यहाँ पे ऐसे डबल करिएगा ऊपर के साइड में, फिर आपको नीचे के साइड में ऐसे बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करना होगा। डबल करने के बाद इधर आपको एक ओवल शेप ड्रॉ करना होगा, एक ओवल शेप और आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ओवल शेप बनाने के बाद अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। हल्की सी लाइन आप यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ करिएगा, फिर आपको इधर से नीचे की तरफ ऐसे इस सर्किल के जो हमने सर्किल बनाया है यहाँ पे लाकर आपको मिलाना होगा। ऊपर के साइड में एक आप हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको इधर से देखिएगा, ये जो हमने सर्किल बनाया इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आपको अंदर की तरफ हल्का सा यहाँ पे ऐसे करते हुए फिर इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर यहाँ से आप ऐसे इसको मिलाइएगा। बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे आगे के साइड में आपको डबल भी करना होगा। डबल करने के बाद नीचे के साइड में हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए ऊपर की तरफ कर दीजिए। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे आपको रानी लक्ष्मीबाई जी का ईयर बनाना है। ईयर बनाने के लिए आपको यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए फिर ऐसे अंदर की तरफ इस पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अंदर की तरफ करने के बाद इधर से आप ऐसे एक हल्के से यहाँ पे पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले, नीचे वाले दूसरे वाले पॉइंट को मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, फिर आपको यहाँ से ऐसे इस नीचे वाले पॉइंट के साथ आना होगा और यहाँ पे आप ऐसे हल्का सा वी लेटर लिखते हुए ऊपर के साइड में देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो यहाँ पे आप ला कर छोड़ दीजिएगा। फिर आपको ऊपर वाले साइड में ये पहला जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है यहाँ पे लाकर हम मिलाएंगे। अब आपको इधर से हल्की से यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे बनाइएगा, इसको डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद दोस्तों एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, फिर इसको ऐसे ट्रायंगल बना दीजिएगा। नीचे के साइड में छोटे छोटे बहुत ही आसान तरीके से सर्किल बनाते जाएंगे हम। इधर से देखिएगा ध्यान से, आपको हल्का सा हाफ सर्किल यहाँ पे बनाना होगा, फिर बाहर की तरफ करिएगा और यहाँ पे आप ऐसे अंदर बाहर की तरफ करते हुए इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद अब ये जो बीच वाला हमारा पॉइंट है इसका यूज करते हुए आप यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्किल बना दीजिएगा, और ये हमारा पॉइंट तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखिएगा, अब आपको इधर से एक हाफ सर्किल बनाते हुए अंदर की तरफ कर दीजिए, सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। अब आप यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइएगा, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। एक सर्किल बनाइएगा, यहाँ पे भी ऐसे सर्किल बनाकर इसको हम पूरा ऐसे डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद अब आपको आईब्रो बनाना होगा, यहाँ पे भी आप ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। इस पॉइंट के नीचे के साइड में हल्का सा हाफ सर्किल बनाइए, फिर बाहर की तरफ करिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे हाफ सर्किल बना दीजिए। तो इनका नोज़ भी बनके तैयार हो गया। नोज़ बनाने के बाद एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर बाहर की तरफ लाइन एक यहाँ पर इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा। नीचे के साइड में आपको इनका बहुत ही सावधानीपूर्वक लिप बना देना होगा। लिप बनाने के बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए अंदर की तरफ कर दीजिए और इधर आपको एक सर्किल बनाना होगा, यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ पे ये हो जाएगा सीधी सीधी लाइन। चाहे तो आप यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सर्किल भी बना सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ कर दीजिएगा। अब आपको इधर से ऐसे हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ पे बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करिएगा और आगे की तरफ इधर ले जाएंगे, इधर भी हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों अब आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा, एक यहाँ पर भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन, जस्ट इसी के आगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर के साइड में वी लेटर लिखिएगा, बीच से एक हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसको, और थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र बनके तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आप यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब हम रानी लक्ष्मीबाई जी को पेंसिल की हेल्प से शेड देना सीख लेते हैं।